एक ऐसा युवा जो तैयार कर रहा है देश सेवा के लिए युवाओं की फौज। जहां एक तरफ युवा नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं और गलत रास्तों को इख्तियार कर रहे हैं, वहीं इसके उलट कानपुर का एक युवा निस्वार्थ भाव से युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार कर रहा है। टीवी 30 इंडिया आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएगा जो कि बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, जो देश सेवा के लिए आर्मी पुलिस में जाना चाहते हैं, पर उनके पास या तो धन का अभाव है या वो पर्याप्त संसाधन नहीं है कि वह बड़ी जगह पर जाकर फिजिकल ट्रेनिंग कर पाए। उन्हीं के बीच में एक लड़का है जेडी। विगत कम से कम 8 वर्षों से मैं खुद देख रहा हूँ उनको। उन्होंने लड़कों को रेस के बारे में प्रॉपर जानकारी दी है, डाइट की प्रॉपर जानकारी दी है। सुबह 4 बजे फील्ड पर गए हैं, ठंडी हो, बरसात हो या गर्मी, और उनके सिखाए हुए कई बच्चे आज देश सेवा कर रहे हैं। आज जानेंगे कि आखिर उनको सरकार से भी कितना प्रोत्साहन मिला या बच्चों से कितना प्रोत्साहन मिला। जी हाँ, आपको हम उस युवा के बारे में बता दें जिसको 2008 से खुद लगन लगी थी आर्मी में जाने की, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वह स्वयं आर्मी में न जा पाया। लेकिन खुद को आर्मी में न जा पाने के चलते भी उसने हार नहीं मानी और उसने जज्बा बनाया युवाओं को तैयार करने का। 2008 से बराबर युवाओं को दौड़ की तैयारी कराई और आज उसके सिखाए हुए कई युवा देश सेवा में हैं और कई युवा आज भी आकर उसे देश सेवा में जाने की तैयारियों के गुरु लेते हैं। बात कर लेते हैं जेडी के उन सभी स्टूडेंट से जो यहाँ पर सुबह प्रैक्टिस करने आते हैं और देश सेवा के लिए आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। शारीरिक व्यायाम के साथ साथ डाइट के बारे में भी जेडी उनको बताते हैं, साथ ही बताते हैं किस तरह की मेहनत होती है डिफेंस के लिए जाने के लिए और किस तरह का परिश्रम करना पड़ता है और त्याग करना पड़ता है। सुबह आकर ग्राउंड में कौन कौन सी प्रैक्टिसें हैं जो करने के बाद आप कहीं ना कहीं फिजिकल तौर पर अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या नाम? मेरा नाम शिवा। जेडी सर के साथ हैं, जो किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं और क्या बताते हैं? बहुत अच्छी ट्रेनिंग रहती है और बहुत हार्ड ट्रेनिंग रहती है। सुबह 4 बजे आना होता है, उसके बाद 5 किलोमीटर वार्म अप लंबी रेस, उसके बाद स्ट्राइक्स 400 मीटर 600 मीटर की, फिर अच्छी खासी एक्सरसाइज कराते हैं। लगभग कितने दिन से आ रहा है? ऑलमोस्ट 1 मंथ। 1 मंथ। अच्छा, नेचर कैसा है जेडी सर का आप लोगों के लिए और आपका उनके प्रति? नेचर वैसे तो जब हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बहुत फ्रेंडली है और जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत हार्ड, मतलब कहने का कि कोई इसमें ढील नहीं देते हैं, जितना बोला जाए उतना करना पड़ता है। कानपुर में कई बड़े एकेडमी हैं जो काफ़ी बड़ा पैसा लेते हैं, उसके बाद अगर मैंने इतना सुना है पैसा कहीं भी इनके लिए रोल नहीं करता है, ऐसा है? हाँ यस, बिल्कुल ऐसा है। अभी तक मैं आता रहा हूँ 1 महीने से, तो अभी तक तो कोई फीस नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फीस, और बाकी यहाँ पे मतलब उतना एक्सरसाइज और उतना लगता नहीं है कि कोई यहाँ पे पैसा वैसा लिया जाता है। छोटा बच्चा एक साथ में जो भी प्रैक्टिस करने आ रहा है, बहुत टाइम है देश सेवा के लिए या किसी अन्य फिर भी प्रैक्टिस कर रहा है, जानते हैं क्या नाम? राज। कितने समय से आ रहा है? 1 महीने। यहाँ आने का, अभी आने का यहाँ पर क्या उद्देश्य है? फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। लगभग क्या क्या प्रैक्टिस कराते हैं? हर चीज़ कराते हैं, रनिंग एक्सरसाइज वगैरह। मेन उद्देश्य फील्ड में जाने का? मेन उद्देश्य तो फील्ड में यही रहना है सर, अच्छा कराते हैं, लगभग सबसे अच्छा ही लगता है। ये नहीं कि हर जगह नाम होता है कि ये कंपनी अच्छी है, ये वो, ये ऐसा कुछ नहीं, मेहनत होनी चाहिए अच्छी बस। साथ में स्टूडेंट जो कह रहे थे ज़रूरी नहीं है कि देश सेवा हो या किसी नौकरी के लिए, कुछ लोगों के लिए फिटनेस ज़रूरी है, कुछ लोगों के लिए जो है देश सेवा के लिए जाना या नौकरी करनी है तो उसके लिए भी जो है फिजिकल एक्टिविटीज मजबूत होनी चाहिए, इसलिए आते हैं। और जेडी सर के बारे में उनका कहना है कि पैसा कोई मायने नहीं रखता है, बराबर महत्व है, और इस बात को साफ कर दें कि इनसे पहले भी सीखे हुए कई बच्चे आज देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फतेहपुर के जहानाबाद निवासी धर्मेंद्र कुमार उर्फ जेडी की, जिन्होंने राष्ट्रीय और प्रादेशिक कई प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है और कई मेडल और ट्रॉफियां भी जीती हैं। 2008 से यह बराबर दौड़ की प्रतिस्पर्धाओं में जीतते चले आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो लखनऊ में हुई 4थी हाफ मैराथन में भी 21 किलोमीटर की रेस में ये दौड़े थे और तमाम कॉलेजों में होने वाली चैंपियनशिप में भी ये कई बार गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। लगभग 150 से ज्यादा रेसों में इन्होंने भाग लिया है। अगर बात की जाए जेडी की तो जेडी के पिता एक किसान हैं और माँ एक गृहिणी। 4 भाइयों में ये सबसे बड़े हैं और जिनमें से 2 भाई उनके साथ रहकर स्वयं तैयारी भी कर रहे हैं। अगर इनके सिखाए हुए युवाओं की बात की जाए तो अभी हाल ही में 2016 की पुलिस भर्ती में रोहित पटेल ने भी परचम लहराया था और पुष्पिन ने भी आर्मी ज्वाइन की थी। एक ऐसा शिक्षार्थी है जेडी का जो कि अभी अभी पुलिस में भर्ती हुआ है, काफी कड़ी मेहनत से जेडी और इसने करी थी। लगभग कितने समय से जेडी सर के साथ सीख रहे थे?
सबक में एक साल हो गए और उन्होंने इतनी अच्छी एक्सरसाइज और इतनी अच्छी चीज़ें बताई कि जिससे मेरी रेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो गई और मैं आर्मी की रेस भी निकाल चुका हूँ और मैं यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो चुका हूँ। कोई भर्ती नहीं लगता, मेरा पूरा योगदान जेडी सर को जाता है। कितनी बड़ी मेहनत करते थे आपके साथ जी? हम लोग पर डे कम से कम 1.5 घंटा करते थे और आधे घंटे तो कम से कम एक्सरसाइज पूरी करते थे। कभी कोई पैसा तो लेते नहीं थे? नहीं, कभी कोई पैसा नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो आज यूपी पुलिस में हुआ राजपूत ना कुछ योगदान जेडी सर का जरूर। जी जी, जेडी सर का पूरा योगदान है, उन्होंने बहुत ही अच्छा बताया तभी हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए। युवाओं को ट्रेंड करने के लिए एक इन्होंने एकेडमी भी बना रखी है जिसमें नाम मात्र का शुल्क लेकर युवाओं को दौड़ने के लिए और फिटनेस और डाइट चार्ट के लिए ट्रेंड किया जाता है। जेडी को इस बात का अफसोस भी होता है कि वह बिल्कुल मुफ्त में ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को। उनका कहना है कि जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है क्योंकि वह खुद कानपुर के एक मोहल्ले में किराए के मकान में रहते हैं और काफी समय से घर से बाहर रह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए जिससे युवाओं को देश सेवा के लिए तत्पर बनाया जा सके, क्योंकि देश का युवा कहीं ना कहीं अन्य राज्यों की बात की जाए तो भटकाव की ओर है। जैसे कश्मीर में देखा जाए तो वहाँ पे भी युवा भटका हुआ है। अभी पूर्व में हुई कानपुर में ओपन चैंपियनशिप में 800 मीटर की रेस में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगर जेडी की दिनचर्या की बात की जाए तो सुबह 5 बजे से ग्राउंड में सभी स्टूडेंटों के साथ ये पहुंच जाते हैं और फिर फिजिकल ट्रेनिंगों का दौर जारी होता है जिसमें एक्सरसाइज और डाइट की पूरी जानकारी दी जाती है और यह भी बताया जाता है कि बच्चों को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए दौड़ के दौरान, और खास बात यह है नशे से दूर रहने की हिदायत भी दी जाती है। कमरे में किराए में रहते हैं इमरान बालकी, पिछले 8 सालों से उनसे देख रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कितना जानते हैं, कितना मेहनत करता है लड़का, आप क्या रहेगा? बहुत ही मेहनत करता, मेहनत करने में पीछे नहीं है। कितने साल से आपके पास रहेगा? 7 साल से मेरे यहाँ रह रहे हैं। कितनी मेहनत इतने करी है आप बता? बहुत बहुत मेहनत करा थे। सुबह कितने बजे चले जाते हैं? 5 बजे यहाँ से चले जाते हैं और शाम को 8 बजे 6 बजे के लम जमाते हैं। कई लड़कों को सुनने में आता है, सिखाते हैं? हाँ सिखाते, कल बच्चों को ये निकाल दिया आगे, मतलब उनके सिखाए हुए बच्चे गए? हाँ गए, चले गए, नौकरी में चले गए। ये बेचारा प्रयास तो करता है, नौकरी मिलती ही ना, बहुत प्रयास किया, बहुत सबका निकल गया मगर वो मानिए है माँ का लंबाई की लंबाई को जैसे ये सी इनकी मगन मालकिन बता रही थी, मैंने प्रयास बराबर किए, कुछ समस्याएं इस वजह नहीं हो पाई, पर हाँ मेहनत करता है और वो दिखती है। बात करने के लिए मौजूद है जेडी उर्फ धर्मेंद्र कुमार, फतेहपुर के जहानाबाद से निकला एक लड़का जिसको पहले चाह थी कि आर्मी में देश सेवा करे। बहुत ही अच्छी रेस होने के बाद कहीं ना कहीं लंबाई उसके लिए रोड़ा बनी, पर उसके बाद हार ना मानते हुए उसने लड़कों को भी ट्रेंड किया और कई लड़के आज देश सेवा कर रहे हैं। उसके साथ साथ रेस करते हुए करीबन 50 से ऊपर सर्टिफिकेट जमा किए, कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया और कई प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और वहाँ से मेडल और ट्रॉफियाँ जीती। आज वह बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, उनसे जानेंगे आके कितनी मेहनत लगी। आज से पहले जब 2008 में घर से निकले तो क्या था मन में? मैं जब घर से निकला था तो मैं सोचता था कि मैं बचपन से ही मेरे अंदर जुनून था कि मैं आर्मी में जाऊँगा, इसीलिए जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो वहाँ पर जो लोकल में रेसें हुआ करती थी उनमें पार्टिसिपेट करने लगा, तो वहाँ पर मैं धीरे धीरे क्षेत्र में चैंपियन, डिस्ट्रिक्ट में चैंपियन, स्टेट में चैंपियन, वहाँ से निकल गया। फिर मैं आगे बढ़ गया, कानपुर आ गया, यहाँ पर पढ़ाई करने लगा। मैंने यहाँ पर बहुत डिग्री कॉलेज और डिग्रीज कॉलेज हैं, मैंने उनमें रेस में पार्टिसिपेट किया, यूनिवर्सिटी में खेला। फिर मैं धीरे से ग्रीन पार्क पहुँच गया, वहाँ मैंने कोच से संपर्क किया, जो अरविंद ढोंडियाल सर हैं उनके संपर्क में आया। उनके संपर्क में आते हुए मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा गेमों में पार्टिसिपेट किया। मैंने कई डिस्ट्रिक्ट में से गोल्ड मेडल जीता, स्टेट में भी मैंने जीता, यूनिवर्सिटी में जीता और नेशनल, बहुत सारे नेशनल में मैंने पार्टिसिपेट किया। और मैराथन, मैंने बहुत सारी मैराथन भी खेली है जिसमें से मैंने कई जीती हैं, किसी में पार्टिसिपेट किया, किसी में अंडर 10 में किया, अंडर 6 में, ऐसे आप कहीं लगता है कि जब देश सेवा के लिए आप कहाँ जाते नहीं हो पाए, पर मैंने एक चीज़ जो गौर किया, आपने बच्चों को सिखाना चालू किया, कई बच्चे आगे निकल कर आए हैं और अभी की बात की जाए निस्वार्थ भाव से निःशुल्क उनको सिखाया, अभी आपने एकेडमी के माध्यम से कि बच्चे एक ही जगह पर आ जाए उनको सिखाना चालू किया, अब मन में क्या चलता है, अब क्या लक्ष्य? जब मैंने सोचा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ मैं नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा कि जो बच्चे जिनको अच्छे नॉलेज नहीं है रेस वगैरह का, तो मैं उनको साथ में अपने प्रैक्टिस कराने लगा। आज मैंने कम से कम
60-70 बच्चों को ट्रेन करके देश सेवा के लिए, जैसे आर्मी है, BSF है और नेवी है, एयरफोर्स वगैरह, बहुत सारे बच्चों को मैंने ट्रेन किया और वो नौकरी में लग गए। और मैं आज मैंने अपनी खुद की एक खोला हुआ है, एक छोटा सा ग्राउंड लेके, और मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे पास बच्चे इकट्ठा हों और मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देश सेवा के लिए प्रेरित करूँ और वो आगे जाके अपना भविष्य। कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, आपकी जिंदगी का पापर जो लगे जाते हैं सुकून मिलता है। मैं मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं इंडियन आर्मी को इतना लाइक करता हूँ, देश सेवा में मेरे अंदर जुनून भरा हुआ है देश सेवा करने के लिए, मैं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ इंडियन आर्मी। कहीं ना कहीं इतना चैलेंज होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, तो साहन अगर नहीं भी आप आर्मी जाए थे, सरकार या NGO वगैरह जो होती है वहाँ से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, तो इस कमरे में बाहर आके उतर मेहनत करते हैं, पैसे को बढ़ता नहीं मिली, जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिला मुझे। मैं बिल्कुल कहीं ना कहीं अदर साइड बिजनेस करके, अपना साइड जॉब करके अपना खर्चा चला रहा हूँ, उससे मैं खेलता हूँ, अपनी डाइट का खर्चा खुद उठाता हूँ, मेरे माँ बाप की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। कितना मुश्किल होता है फिर, बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10-10 रुपए के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, क्या फील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से, जो कि आप मेहनत कर रहे हो, हम आपके पास चल गए, हमको ये पता चला, तो क्या फील करना चाहोगे, किस तरफ ध्यान दिया जाए NGO के द्वारा या सरकार के द्वारा या किसी अन्य संगठनों के द्वारा, कि आप लोगों का ध्यान दे सके, बच्चे जो कि आजकल समस्याएं आपकी फिजिकल में मैं आज मैं TV30 से जुड़ा हुआ हूँ, आप मेरे पास आए हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक है तो मेरा यही लक्ष्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे पास आए और वो कहीं ना कहीं मेरा नाम हो, तो कहीं ना कहीं सरकार अगर मेरे प्रति ध्यान दे तो मुझे अपना जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं मुझे छोटी सी नौकरी देना। हमारे साथ थे JD, बहुत साफ शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बताया कि कभी भी जीवन में पैसे को वरीयता नहीं दी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैंने भी इन्होंने देखा है, निस्वार्थ भाव से लोगों को ट्रेंड किया है, आज एक एकेडमी के माध्यम से भी कोई पैसा उस हिसाब से नहीं ले रहे हैं, जो कि अन्य जगह पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं कानपुर में। तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग भी आज के समय में जो देश सेवा के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर एक ऐसी जमात भी है जो नशे में जा रही है युवा वर्ग, उनको रोकने वाला नहीं है, नशा कर रहे हैं, उसके बीच में ऐसे लोग भी हैं जो उनको एक अच्छी जगह पर एक अच्छा जज्बा दे रहे हैं, देश सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे आते हैं, कश्मीर से आता है जहाँ पर युवा भटक रहा है, उसके बाद कानपुर जैसी शहर की बात की जाए तो ऐसे लोग भी हैं जो युवाओं को देश सेवा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी अपील है सरकार से भी और हमारी अपील है उन सभी संगठनों से भी, इस ओर ध्यान देकर अच्छा और उम्दा करने वालों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, कुछ ऐसा ही दिखाया JD ने। छोटी सी उम्र में खुद नौकरी की तैयारी कर रहे थे पर किन्हीं कारणों बस खुद नौकरी नहीं लगी, पर उनके सिखाए हुए कई बच्चा देश सेवा में है और निःशुल्क रूप से उनको सिखाया, पर रोज़गार भी ज़रूरी होता है। अब उन्होंने अपनी एकेडमी में केवल 1,000 रुपये लेना चालू किया, जिसमें बच्चों को पूरी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ इस चीज़ के लिए भी तैयार किया था कैसे वह इन कम्पटिशन को क्रैक करें। कई लड़के निकले, पर बात अगर JD की जाए तो खुद कई मेडल की लाइन उनके ऊपर पास लगी हुई है, छोटे से कमरे में बाहर जाकर रहते हैं और यहाँ बच्चों को कड़ी मेहनत से सिखाते हैं। इस तरफ कुछ NGO और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग भी पढ़ें जो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं और उनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं हो पाता है। युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करने वाले ऐसे लोगों के लिए भी सरकार को कोई बड़े कदम उठाने चाहिए। कानपुर से Team TV 30 India के साथ अभय ठाकुर की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV 30 India को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।